दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ यात्रा एक कठिन यात्रा में से एक है और गौरीकुंड तक आप अपने वाहनों से जाते हैं। उसके बाद तकरीबन 18 किलोमीटर की आपको पैदल चढ़ाई करनी होती है। आपको पैदल चढ़ाई करने के दौरान कुछ माध्यम मिलते हैं, जैसे घोड़े और खच्चर पर आप बैठ के केदारनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। उसके अलावा आप पालकी और झूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रा के दौरान धाम तक पहुंचने का अलग अलग माध्यम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक टारगेट है 100 और सब्सक्राइब टारगेट है 650। ठीक है दोस्तों कि आप लोग कर देंगे। केदारनाथ पैदल यात्रा रूट में घोड़े और खच्चर के मालिक की ओर से घोड़े और खच्चरों अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक की सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई है कि कई बार यहाँ के मालिक जो होते हैं घोड़े और खच्चरों को, उन घोड़े को पकड़ करके जबरदस्ती सिगरेट पिलाते हैं ताकि वो उनसे ज्यादा काम ले सके। दोस्तों, जो घोड़े और खच्चरों के मालिक होते हैं, इनको बहुत मोटी कमाई होती है घोड़े और खच्चरों को चला करके, क्योंकि लाखों की संख्या में यात्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने आते हैं और हर दिन आते हैं, जिसके कारण इनकी कमाई काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि जो घोड़े और खच्चर के मालिक है, इनकी सिर्फ 46 दिन में 56 करोड़ से भी ज्यादा का ये लोग कमाई कर लेता है सिर्फ घोड़े और खच्चर चला करके, जिसके कारण घोड़े और खच्चर को जबरदस्ती बिना रेस्ट दिए बार 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 दौड़ाया जाता है ग्राउंड में। बार बार दौड़ाते हैं ये लोग मंदिर तक, मंदिर से वापस। और अगर घोड़ा थक जाता है, बैठना जाएगा घोड़ा, तो उसे बैठने भी नहीं दिया जाएगा, उसे पीट करके मार करके अगर तब भी बात ना बने तो सिगरेट पिलाएंगे। और सिगरेट के बाद और भी बहुत सारे चीज जो कि नशीले पदार्थ होते हैं सिगरेट में मिला करके घोड़ों को पिलाया जाता है, खच्चरों को पिलाया जाता है। एक घोड़े और खच्चर जो है जिस कारण से मर गए, अभी तक 250 से ज्यादा घोड़े और खच्चरों की मौत हो चुकी है केदारनाथ यात्रा के दौरान। कई बार पैर फिसलने की वजह से, घोड़ों को चक्कर आने की वजह से, घोड़े जो है कई बार भूखे रह जाते हैं, खाना नहीं मिलता, इस चक्कर की वजह से कई सारे घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है। ऐसे ऐसे घोड़े और खच्चर के जो मालिक हैं, इन पे सख्त और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग बेजुबान जानवर की सहायता लेकर केदारनाथ मंदिर तक जाते हैं, अगर आपको यात्रा करनी है तो पैदल कीजिए। किसी बेजुबान जानवर को कष्ट देकर भगवान को खुश कर देंगे क्या? ऐसे में पशुपालन और पुलिस विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हाल ही में एक नई खबर और जुड़ रही है केदारनाथ मंदिर से कि अब आप केदारनाथ मंदिर के अंदर तस्वीर नहीं खींच सकते, फोटोग्राफ नहीं ले सकते, मंदिर के अंदर सेल्फी नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड हो गया। अब यात्रियों की संख्या में आई भारी गिरावट, जिसके कारण कम भीड़ होने के कारण घोड़े और खच्चरों को कम मेहनत करनी पड़ रही है। और जिस चीज से ये साफ जाहिर होता है कि लोग जो है पूजा के लिए नहीं, पोस्ट के लिए केदारनाथ ज्यादा जाना चाहते थे। आपका इस चीज को लेकर क्या सुझाव है? क्या घोड़े और खच्चरों के साथ ऐसे ही बदसलूकी होते रहना चाहिए, या फिर इस पर कोई सख्त और सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए? मुझे अभी कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक टारगेट है 100 और सब्सक्राइब टारगेट है 650। गाइस, डू इट फास्ट एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल।